मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कई दायित्वों का निर्वहन करते थे, अभी हमारे अपने मंत्रिमंडल में श्रम तथा पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम संभाल रहा, जिनने विस्तार से अपने बात कही श्रीमान प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर प्रियंक कानूनगो जी अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल आयोग, आपकी भावनाओं से हम सब अवगत हुए हैं, आपने विस्तार से बात कही। श्री रविंद्र मोरे जी अध्यक्ष राज्य बाल आयोग, श्रीमती रूपाली बनर्जी, और इस अवसर पर समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, सारी बातें आ गई है। हम सब जानते हैं कि भारत का अपना चरित्र आदिकाल से, भारत की अपनी जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए कहने के लिए कहते हैं कि भारत दुनिया का विश्वगुरु बनना चाहता है, या उसकी अपनी अगर महत्वाकांक्षा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं दुनिया का विश्वगुरु बनूंगा, या विश्वगुरु का दर्जा उनको मिलेगा। जब विश्वगुरु की बात करते हैं तो विश्वगुरु का अर्थ क्या हुआ, गुरु का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। गुरु का अर्थ है पूरे अर्थ में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। दोनों शब्द गु और रू का अर्थ निकालेंगे तो गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले मार्ग पे चलने वाली संस्कृति दुनिया में अगर कहीं जानी जाती तो भारतीय संस्कृति के नाते से उसकी पहचान है युगों युगों से। कई सारे देश दुनिया में जो प्रभुसत्ता चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, अपना दायरा अपना प्रभाव चाहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है जिसके दो दो शब्द में सारी बातें आ जाती, जियो और जीने दो। अब ये कितना सरल शब्द है जिसका अर्थ हम अपने आप में समझ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, सभी के बारे में जो अच्छा हो सकता है। अब जब समग्र की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उसमें बाल तो परमात्मा का आशीर्वाद है। बालक की बात करते हैं तो बालक को हम भरत के रूप में देखते हैं, जिसका चित्र हमारे लिए पूरे पुरुषार्थ और एक पराक्रम की तरफ ले जाने वाला जो मार्ग पे खड़ा कर देता है। और वह हर युग में देखो ऐसे कितना हमारा अच्छा उदात्त सांस्कृतिक चरित्र भी है, इतिहास भी है। हम सब जानते हैं भगवान राम के उस दौर को याद कर ले, जब दशरथ जी से विश्वामित्र अपने उनके बालक मांगने आए। केवल कल्पना करो कि अगर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण नहीं जाते, और राम जी के जाने बोलने के देने के पहले जैसे दशरथ जी ने कहा मेरी सेना ले जाओ, मेरे से क्या मांग रहे हो वो सब दे दूंगा, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हम तो आपके बालक चाहते। और बालकों के रूप में उनने उनका कितना उज्जवल भविष्य देखा होगा, उनका पराक्रम देखा होगा कि बालक जब घर से कदम बढ़ाते हैं और उनको चुनौती मिलती है, उनके गुरु उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको टारगेट देते हैं, लक्ष्य देते हैं, तो मारी स्वभाव को तो मारते ही मारते हैं, अपने पराक्रम पुरुषार्थ का झंडा गाड़ते गाड़ते धनुष यज्ञ तक जाते हैं और माता सीता को वरण करके ले गया। और वो काल हो या 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल, बालकों के पराक्रम से ही अपना देश का रोम रोम पुलकित आनंदित होता रहता। भगवान कृष्ण ने कंस को भले ही मार दिया, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है ये हमारे आयोग का उस दृष्टि से आपने अध्यक्ष जी ने सही कहा है। 11 साल की उम्र में कभी उसके पहले तो वो गए नहीं किसी आश्रम में, गुरुकुल में शिक्षा विद्या के लिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई और देश का इतिहास होगा कि कोई सत्ताधीश को हटाता है तो सत्ताधीश को हटाने के बाद वो अपनी कुर्सी पाता है, लेकिन ये हमारे देश का इतिहास है कि सत्ता से बड़ी कुर्सी है, कुर्सी से बड़ी शिक्षा, और शिक्षा से व्यक्ति का समग्र जीवन ध्यान। आप केवल कल्पना करें कि कंस के उस घटनाक्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए तो उनका विराट स्वरूप, वो पवित्र गीता, कदम कदम पे उनका जीवन का प्रत्येक एक एक घटनाक्रम, ये क्या इस प्रकार का बन सकता था। लेकिन ये शिक्षा का ही कमाल, शिक्षा के कारण से भगवान का जीवन हम सब के लिए पाथे के रूप में काम आते, और शिक्षा का अनुशासन का भी उदाहरण देख लो। शिक्षा में दक्ष व्यक्ति अपनी सेना भी रखेगा तो सेना के अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण है
गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से बात रख रहे हैं, तो लोग अपन कहेंगे गीता किसके लिए कही है, तो कई बार मजाक करने वाले बोल देते हैं लोग कि गीता अर्जुन को युद्ध में उकसाने के लिए कही गई भगवान के बारे में, ऐसे मानने वाले भी, वो युद्ध करना नहीं चाहता था लेकिन युद्ध करवा करके भगवान माने, ये भी एक पक्ष है, लेकिन ये पक्ष अधूरा। कोई गीता को और या उस दृश्य को अगर थोड़े गहरे ढंग से देखेगा तो आप अंदाज लगा लो भगवान ने उस युद्ध में जितना अपना स्वयं का नुकसान उनका हुआ उतना तो अर्जुन का भी नहीं हुआ। भगवान ने गीता के माध्यम से अपनी आत्मा से साक्षात किया है। जब अपनी कोई व्यक्ति, आप कल्पना करो, हमारे यहाँ तो कोई काम करने वाला सहायक हमारा, किसी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, किसी को खून निकल जाए तो हम द्रवित हो जाते। भगवान की पूरी सेना, छोटा सिपाही से लेकर बड़े से बड़ा सारे अधिकारी, केवल आदेश से सामने कौरव के पक्ष में खड़े थे, और वो जो तीर चल रहे थे वो तीर अर्जुन जो मार रहा था, तो वो अर्जुन के तीर केवल अर्जुन के दुश्मनों को नहीं लग रहे थे, भगवान के सबसे प्रिय सेना नायकों को, सिपाही को। और ये भी अनुशासन का कितना बड़ा उदाहरण है कि उस पूरी सेना का एक भी सिपाही, एक भी अधिकारी, कोई भागा नहीं और कोई बचा नहीं, केवल एक आदेश से सामने खड़े हुए वो सेना के सारे सूरवीर, जिनने भगवान कृष्ण को युद्ध में बड़ी से बड़ी जीत दिलाने में अपनी भूमिका अदा करी। तो इतनी दक्ष सेना को रखने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती कि नहीं होती? अनुशासन के लिए जीना एक बार है, लेकिन जी करके जो उत्कृष्ट उदाहरण बना दे। मृत्यु कितनी बार आएगी? जन्म भी एक बार होता, जिसको जन्म हुआ वो मरेगा, और ये जन्म और मृत्यु के बीच में अधरों पे जो खिलने वाली उनकी मुस्कान है, यही जीवन का सार जीवन देती है। कि लोग अपने जीवन में ऐसा मान के चलते हैं हरेक कोई अमर है, लेकिन अमर नहीं है, एक न एक दिन मरना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमसे जो अच्छे से अच्छा हो जाए, वापस वही गुरु परंपरा पे ले जाता जो मैंने प्रारंभ में बात कही है। तो ये जो परंपरा हमारी अपनी संस्कृति की है, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने इस बात को कई कई घटनाक्रम में एहसास कराया। जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं परीक्षा के पहले, तब भी हमको वही दिखाई देते हैं। उनके स्वयं के जीवन से देख लो, जब चाय वाले के रूप में अपनी जीवन की उस घटना से निकल के जाते हैं, तो शिक्षा के लिए चाय की दुकान चलाते चलाते भी स्कूल को भी क्या महत्व देते, ये भी हमको दिखाई देता है। और ये वहां भी दिखाई देता है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे फंसे रहते हैं, तो शासन का संचालन उतनी कठिनाई से पढ़ने वाला विद्यार्थी संचालन कैसे करता है कि रूस और यूक्रेन दोनों की सेना हथियार डालती है, 3 दिन युद्ध रुकता और हमारे सारे बच्चे निकल करके हमारे साथ आते हैं। ये उदाहरण हम सबको एहसास कराते हैं कि वास्तविकता में हमारे अपने काम का महत्व क्या है। मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार जो चाहेंगे आप आयोग के माध्यम से, ये पूरा प्रदेश आपका है, बहुत पवित्र उद्देश्य आप लेके चल रहे हो। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट का शिकार न हो, जिसके जीवन में शिक्षा के जरा सा भी गुंजाइश है वो अपनी शिक्षा में दक्ष होकर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भोपाल से जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों के ड्रॉप आउट पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहां पर ड्रॉप आउट रोकने के लिए सरकार कुछ बड़े कदम उठाएगी और इसके चलते ये पूरा कार्यक्रम है, सेमिनार है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। बाल अधिकार सेमिनार चल रहा है। और चलिए अब देखेंगे सुपर फास्ट खबरें तेज अंदाज में। शहडोल में बाढ़ आते ही धराशायी